खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जुड़े चयनित लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। इसको लेकर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने बताया कि इस योजना से जुड़े लोगों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी सशर्त शुरू की जाएगी, जिसके तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा एक दिन में 2 ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। लोगों की शिकायत आ रही है और कोरोना पीरियड में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे जिलों के अन्य जिलों में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं और वो NFSA की सूची में आते हैं, तो हमारा अंतर जिला जो पोर्टेबिलिटी थी बंद कर दी थी, ट्रांजेक्शन गलत हो गए थे, लेकिन अब लोगों की मांग है, मांग को देखते हुए हमने आज फैसला लिया है कि इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी को चालू किया जाए, जिससे जो लोग हैं अपनी सामग्री कहीं भी किसी जिले में किसी जगह रास्ता के किसी भी जिले में ले सकते हैं। और इसमें हमने ये तय किया है कि DIT के माध्यम से सॉफ्टवेयर में जो बदलाव होगा शीघ्र ही 2-3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद